अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपको दिखाने वाले हैं नोकिया 5310 की अनबॉक्सिंग करके आपको चेक करवाएंगे। नोकिया 5310 यह हमारे सामने है, इसका बॉक्स मौजूद है, आपको अनबॉक्सिंग करके चेक करवाएंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 5310 नोकिया। इसमें कौन कौन से फीचर हैं सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे, वीडियो गौर से देखें। सबसे पहले इसकी फीचर्स की अगर बात कर लें तो इसका 2.4 डिस्प्ले है और डुअल स्पीकर्स, FM रेडियो, MP3 प्लेयर, माइक्रो SD कार्ड और बैटरी इसकी वो बताया गया। सिंगल सिम पे अगर यूज़ करेंगे तो आपको 20 घंटे टाइम देगा ये। आपको मज़ीद ये चेक करवाता हूँ मैं ओपन करके बॉक्स। ये जी हमने कर लिया इसे अनबॉक्स। डिवाइस का अनबॉक्स कर लिया, आपको चेक करवाते हैं। ये जी मोबाइल नोकिया 5310। इस मोबाइल में एक और फीचर है कि आप साइडों पे बटन दिए गए हैं वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए और कोई सॉन्ग्स वगैरह चलाने के लिए। नेक्स्ट बटन भी है, स्टॉप बटन भी है इसमें। सबसे पहले इसकी अगर एक्सेसरीज़ की बात करें तो हम आपको चेक करवाते हैं इसकी। इसकी एक्सेसरीज़ में आपको मिल जाती है एक बैटरी और चार्जर मिल जाता है और हैंड पीस के साथ नहीं है। इसके ऊपर भी फ्रंट पे भी स्पीकर है और नीचे भी स्पीकर दिया गया है, डुअल स्पीकर है और बटन इसके सब इकट्ठे बटन हैं, जुड़े हुए हैं। जिस तरह अलग अलग बटन होते हैं वो चीज़ नहीं है इसमें। और इसके बैक ढक्कन को हमने रिमूव कर लिया और इसमें जी यहाँ पे बैक कैमरा है और एक LED लाइट दी गई है और इसके साथ ही भी मेमोरी कार्ड डलता है। इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं आप और फुल साइज़ सिम डलेगी इसमें, SIM 1 भी डाल सकते हैं, SIM 2 भी। और ये इसका बैक ढक्कन है, बैक ढक्कन पे इसका लोगो दिया गया है, नोकिया लिखा हुआ है, प्लास्टिक का ढक्कन है। और ये इसकी बैटरी, आपको बैटरी डाल के चेक करवाते हैं। नोकिया की बैटरी टाइमक बहुत कमाल की होती है, नोकिया की क्यू मोबाइल, कालमी, G5 उनकी नस्बत नोकिया की बैटरी बहुत कमाल की होती है, अच्छी होती है। आपको बैटरी डाल के मोबाइल ऑन करके चेक करवाते हैं। ये जी हमने बैटरी डाल ली, ढक्कन को कर देते हैं प्रेस और ये पावर बटन ऑन करके हम इसे कर लेते हैं ऑन। ये देखें जी मोबाइल ऑन हो गया हमारा, डुअल स्पीकर है ये स्पीकर। चलो जा रहे हैं फिर आज ये करते हैं जी इसे स्टार्ट। डबल स्पीकर दिया गया है ये फ्रंट पे भी और नीचे भी। इसकी आप सबसे पहले इसका मेन्यू ओपन करते हैं तो मेन्यू में आपको मिल जाता है कॉल डायलर और कॉन्टैक्ट गैलरी, उसके अलावा इंटरनेट, मैसेज, फेसबुक, मोबाइल स्टोर, कैमरा, म्यूज़िक और वेदर की भी ऑप्शन है और स्नैक, इसमें गेम भी है, FM रेडियो, सेटिंग, अलार्म, कैलकुलेटर और वीडियो प्लेयर और भी काफ़ी सारे इसमें, फाइल मैनेजर, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। आप इसमें गेमें डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक भी इसमें चला सकते हैं आप। और इसका कैमरा रिज़ल्ट भी आप चेक करवाते हैं, कैमरे का रिज़ल्ट भी ठीक है, इतना ख़ास नहीं है लेकिन अच्छा है। आपको सेटिंग में जाके इसकी आवाज़ चेक करवाते हैं। इसके हम कर लेते हैं सेटिंग ओपन। सेटिंग ओपन करने के बाद ट्यून सेटिंग में अगर इसकी आवाज़ की बात करें तो ये आवाज़ चेक करें, आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो
अगर आपने वीडियो मुकम्मल वॉच की है तो आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपने कमेंट में ज़रूर जवाब देना है कि ये मोबाइल ओरिजिनल है या कॉपी। आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है अपना आइडिया, मैं आपको फिर बताऊंगा कि किस तरह का कौन सा मोबाइल है, ओरिजिनल है या कॉपी। और एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।